हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग का फाइनल पार्ट, और इस फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव के बारे में। जब ये आप दोनों पार्ट देख लेंगे तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आज के टॉपिक को जितना सुना समझा आपने उसके ऊपर आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग की, तो एंटी मलेरियल ड्रग के ऊपर कई सारे ड्रग हैं जो अपना अपना काम करते हैं। इनमें से कुछ किसी को यूज करने के बाद रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो किसी के साथ कुछ क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप करने लग जाते हैं। कुछ एक तरह के प्लाज्मोडियम के लिए इफेक्टिव है, तो कुछ दूसरे तरह के लिए प्लाज्मोडियम के लिए इफेक्टिव है। तो हमको बात करनी होगी इनके कॉम्बिनेशंस की, जिसको समझने के बाद आप जो बुक में दिए हुए कॉम्बिनेशन थेरेपी उसको आसानी से समझ सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी में आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। आर्टेमिसिनिन कंबाइंड थेरेपी के बारे में भी आपने सुना हुआ है। तो ये जो आर्टेमिसिनिन कंबाइंड थेरेपी में आर्टेमिसिनिन है क्या, आर्टेमिसिनिन को हम बेसिकली आर्टेमीथर, आर्टेमिसिनेट, इन सबको कंबाइंड रूप से एक साथ अगर रिफर करते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं आर्टेमिसिनिन। तो ये आर्टेमिसिनिन कहां से डिराइव किए गए हैं, जो आर्टेमिसिनिन है इट इज अ एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्लांट दैट इज नोन एज आर्टेमिसिया एनुआ, और ये चाइनीज के ट्रेडिशनल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है एंटी मलेरियल ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए। अगर मैं इसके सॉल्युबिलिटी की बात करूं, क्योंकि इनका जो सॉल्युबिलिटी है वही तो आगे जाकर डिटरमाइन करेगा कि इसको कौन से रूट और ड्रग एडमिशन से दे दिया जाए, या कितना इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो सकता है, या इससे हमको कितनी आगे जाकर के बायो अवेलेबिलिटी मिल सकती है। इन सब का जो एक पैरामीटर होता है वो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये जो क्वेश्चन है वो हमने जब एग्जाम दिया था फार्मासिस्ट का तब ये पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर आप फोकस करें। ये जो आर्टेमिसिनिन है ये पुअरली सॉल्युबल होता है वाटर और ऑयल में, यानी कि फ्रीली तो है नहीं, पूरी तरह से डिसॉल्व तो हो नहीं जाएगा। इसी के जो अलग अलग टाइप है, डेरिवेटिव है, उनमें से पहला आप देखेंगे आर्टेमीथर, और ये आर्टेमीथर जो है वो ऑयल सॉल्युबल है, और यही क्वेश्चन हमारे में आया था। साथ साथ जब हमने आर्टेमिसिनिन कैटेगरी के ड्रग को बनते हुए भी खुद का एक बी फार्मा 7 सेमेस्टर के ट्रेनिंग पीरियड में देखा हुआ है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये ऑयल में कैसे डिसॉल्व किया जाता है, इसको हमने 15 दिन तक करते हुए देखा हुआ है। इसी का जो एक और डेरिवेटिव है आर्टेसुनेट, और उसका जो सोडियम कंपोनेंट है ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकें सॉल्ट फॉर्म में, ये आगे जाकर के आपका वाटर सोल्युबल होता है। आप तो ये भी जानते हैं कि अगर हम किसी का वाटर सोल्युबल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सॉल्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है उसके डिसॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो क्वेश्चन आपके बनने लायक है कि आर्टेमीथर किस में सॉल्युबल है, साथ ही साथ जो आर्टेसुनेट का सोडियम कंपाउंड है वो किस में सॉल्युबल है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इनका रूट ऑफ ड्रग एडमिशन क्या है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आज का टॉपिक टू दी पॉइंट है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, जो पॉइंट्स है इसको बस मेमोराइज करने की आवश्यकता है। देखिए बोथ कैन बी गिवन ओरली एंड इंट्रामस्कुलर, बोथ कहने का मतलब आपके आर्टेमीथर और आर्टेसुनेट सोडियम से है, इन दोनों को हम चाहें तो ओरल रूट से भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं, लेकिन इनमें केवल आर्टेसुनेट सोडियम एक ऐसा है जिसको हम इंट्रावीनस रूट के भी द्वारा दे सकते हैं। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आपका जो आर्टेसुनेट सोडियम है ये ओरल भी, इंट्रामस्कुलर भी और इंट्रावीनस तीनों रूट से देगा, ये इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ताकि आप इसको याद रख सकें। अगर हम बात करते हैं देयर इंजेक्टेबल कंपाउंड, और इंजेक्टेबल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल आ जाता है आरटी ईथर, विच इज इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिशन के थ्रू दिया जाएगा। इसको जो व्हीकल यूज करेंगे डिसॉल्व करने के लिए, या सॉल्वेंट जिसको हम लोग जनरल भाषा में बात करते हैं, वो होगा आपका ऑयल। तो इसके साथ जब आर्टेमीथर को इंट्रामस्कुलर रूट से ऑयल के साथ डिसॉल्व करके देंगे तो दे टोटली सिंथेटिक ओरल कंपाउंड, और इनका जो एक और इंपॉर्टेंट टोटली सिंथेटिक कंपाउंड मतलब इसको पूरी तरह से सिंथेसाइज करके बनाया गया है, और यह आपका आर्टियोरेन, और ये जो दो ड्रग हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस और डेवलप किए गए हैं हमारे इंडिया में। तो ये एक क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फॉर योर जीपैट और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम, बट आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक नोट को देख लेते हैं ताकि आप इसके पॉइंट को समझ सकें। नोट कहता है ऑल दीज ड्रग आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज आर्टेमिसिनिन, जैसा मैंने शुरुआत से कहा। यहां भी आप देखेंगे आर्टेसुनेट, आर्टेमीथर अल्फा और बीटा, आर्टेथर, ये सब को हम कलेक्टिवली एक साथ आर्टेमिसिनिन के अंदर रखते हैं। सो आर्टेमिसिनिन कंबाइंड थेरेपी का मतलब क्या होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे लेक्चर में, वो आप खुद से देख सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि इन आर्टेमिसिनिन कैटेगरी के कंपाउंड के साथ आपके जो यूजुअल एंटी मलेरियल ड्रग हैं उनको किस प्रपोर्शन में, किस ड्रग रेजिमेन में आप यूज करें, ताकि कहीं कोई अगर संभावना बनती है एंटी मलेरियल ड्रग की रिलैप होने की या कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होने की तो उनको आप इरेडिकेट कर सकते हैं।
साथ में देखिए ये जो आर्टिमेसिनिन है, डोंट किल प्राइमरी लीवर फॉर्म ऑफ वाइवेक्स हाइप्नोजोइट, ये एक बेसिक जानकारी जिसको आप लोगों ने कई बार सुना समझा है आज तक कि ये प्राइमरी लीवर स्टेज को किल नहीं कर सकते हैं और स्पेसिफिकली वाइवेक्स टाइप के हाइप्नोजोइट को। हाइप्नोजोइट मतलब ऐसे कंडीशंस होते हैं आपके पैरासाइट के जो कि फर्स्ट फेज में प्राइमरी फेज में लीवर में मल्टीप्लाई और डेवलप कर रहे होंगे। ये जब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा लीवर के सेल को जब ये बर्ज करेंगे तो फिर वो आगे जाकर के मूव करना शुरू करेंगे आपके इरिथ्रोसाइट ब्लड में जो कि वो कहलाएंगे मेरोजोइट। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी स्टेप है इस पे इनका कोई असर देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें नो क्रॉस रेजिस्टेंस हैज बीन डेवलप्ड विद अदर काइंड ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, ये एक छोटी सी बात है लेकिन जानने लायक है। अगर हम बात करते हैं क्रॉस टॉलरेंस या क्रॉस रेजिस्टेंस की, दोनों छोटी छोटी चीजों में अलग है लेकिन आज का जो टॉपिक वो बेसिकली मैं इस रेफरेंस की बात कर रहा हूं। तो हम जब बात करते हैं एक ड्रग को मिला करके देने की, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लेने की, कंबाइंड इफेक्ट लेने की, सुपर एडिटिव इफेक्ट लेने की, तो कभी कभी ऐसे भी चांसेस डेवलप होते हैं कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के प्रेजेंस में ऑफ द सेम कैटेगरी अपना काम करने का तरीका थोड़ा सा कमजोर कर लेता है और उसके यानी कि दूसरे ड्रग के प्रेजेंस में उसका जो रेजिस्टेंस है वो जल्दी डेवलप होने लगता है। तो यहां पे आपका जो आर्टिमेसिन कैटेगरी के कंपाउंड है इनमें अदर एंटी मलेरियल ड्रग के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता, ये एक अच्छी बात है। दूसरा देखिए इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या कहता है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आर्टिमेसिन कंपाउंड इज नॉट एग्जैक्टली नोन, ये पूरी तरह से नहीं मालूम है लेकिन जैसा कि आपने दो तीन क्लास में और भी देखा हुआ है पूरी तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मालूम होने के बाद वो भी एक संभावना व्यक्त कर जाती है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। यहां भी हमको अपने पुराने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की आवश्यकता होगी, ये जो काम करने का तरीका क्या है उनमें से पहला कहता है एंडो परऑक्सीडेज ब्रिज इन द मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद हीम, इसका क्या मतलब है, देखिए इन कंपाउंड का जो हम लोग बात कर रहे हैं तो एंडो परऑक्सीडेज यानी कि कोई ना कोई एंजाइम होगा, एंडो रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड दी, परऑक्सीडेज मतलब परऑक्सीडेशन करने वाले कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे, ये जो ब्रिज है मतलब एक डॉट या इसको हम लोग अपनी केमिस्ट्री भाषा में एक बॉन्ड के बीच की बात करते हैं। तो इस तरह से ये आपके परऑक्सीडेज के बीच में कोई बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड मतलब एक ब्रिज बनाना हो गया। सो एंडो परऑक्सीडेज ब्रिज इन इट्स मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद हीम, जो आपका ड्रग है आर्टिमेसिन इसमें पाए जाने वाले ये जो आपके ब्रिज है ये इंटरैक्ट करते हैं हीम के साथ। ये हीम का है और कहां से बनता है, ये हीम जो है वो बनेगा आपके हीमोग्लोबिन से। जब कभी भी हम बात करते हैं पैरासाइट के न्यूट्रिशन एनर्जी इसको यूज करने के हिसाब से तो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में ये आपके आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को अपने फूड के लिए यूज करते हैं और ये जो पैरासाइट का फूड वैक्यूल है इसका नेचर होगा एसिडिक, तो ये अपने एसिडिक फूड वैक्यूल में इस हीमोग्लोबिन को अपने एनर्जी के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आते हैं और इस हीम को ब्रेक कर इस हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं हीम और अमाइनो एसिड में। ये हीम और इस हीम का जो आगे का प्रोडक्ट होगा हीमेटिन, ये दोनों बहुत ही टॉक्सिक होते हैं उस पैरासाइट के लिए। अगर ये दोनों एक्यूमुलेट हो गए तो इसके एक्यूमुलेट होने की वजह से पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। सो पैरासाइट अपने आप को बचाने के लिए इस बने हुए हीमेटिन को आगे कन्वर्ट करता है हेमोजोइन में ताकि इसको नॉन टॉक्सिक बनाया जा सके और इसके कारण से वो अपने आप को बचा भी पाता है और अपने लिए जो एनर्जी का प्रोडक्शन है हीमोग्लोबिन से वो भी कर लेता है। लेकिन यहां पे आप देखिए हमको तो उसको अलाउ नहीं करना है कि आप ग्रोथ करो, हमको तो उसको कंट्रोल करना है कि नहीं आपको ग्रो नहीं करना है, आपको हमको किल करना है। सो हमको उन हर एक स्टेप को अफेक्ट करना होगा जो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि जो पैरासाइट के लिए अच्छा होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है और जो हमारे लिए अच्छा है वो पैरासाइट के लिए अच्छा नहीं होगा। सो हमको हमारे लिए अच्छे की बात करना है। तो देखिए इस ब्रिज के साथ ये जो हीम बन करके आया होगा वो इंटरैक्ट करेगा और आगे जाकर के ये फेरस और आयरन का इन दोनों के बीच के मीडिएशन की वजह से, इन दोनों के एक साथ काम करने की वजह से ये ब्रिज जो है वो क्लीवेज हो जाएगा और इसके साथ कुछ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे। ये हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स ये आपके बॉडी के एक्युमुलेशन होना स्टार्ट करेंगे और ये अच्छा नहीं है। यहां पे मेरा आपकी बॉडी से कहने का मतलब उस पैरासाइट के करस्पॉन्डिंग ही है। तो ये जो आगे जाकर के बाइंड करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन से और मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड होने की वजह से इनके एक्टिविटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करेंगे, इनके सेलेक्टिव परमेबिलिटी में कॉज करेंगे, दिक्कतें कॉज करेंगे। इसलिए कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि ये कैल्शियम की एंट्री और एग्जिट को भी अफेक्ट करते हैं। सो ये जो आपका मेम्ब्रेन को अफेक्ट किया ये एक मैकेनिज्म है, साथ ही साथ ये कॉज करते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन की जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। ये तो आप जानते हैं फ्री रेडिकल्स बनेंगे
लेंगे तो आपके लिए ऑक्सीडेशन कॉज करेगा, जिससे डीके होना शुरू हो जाएगा उस पैरासाइट की बॉडी, और साथ ही साथ ये डैमेज करते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ होगा। इनका काम क्या है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं इनके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये आपके लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इससे अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती या इसकी जो और रिस्पेक्टिव एक्टिविटी होगी वो अगर आप अफेक्ट करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ काम अफेक्ट हो जाएगा, और वो जो पैरासाइट है आपके प्लाज्मोडियम का, मलेरिया का, वो आपकी बॉडी में जो ग्रो कर रहा है एरिथ्रोसाइटिक फेज में, वो धीरे धीरे सर्वाइव करना बंद कर देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के तरीके हुए, और ये इस आगे जाकर के क्या होगा, एंड फाइनली देयर विल बी अ लाइसिस ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट की लाइसिस हो जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपने थ्योरी के फॉर्म से देखा, क्योंकि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट ये रहता है कि केवल इमेज ना यूज करें, थ्योरी यूज करें, और कुछ का कहना था केवल इमेज यूज करें, थ्योरी ना यूज करें, बट हम किसी एक की नहीं सुन सकते, इसलिए हम दोनों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ये जो हमने देखा, पढ़ा, सुना, समझा, इसको एक बार डायग्राम से होते हुए देखें, तो बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंटेशन है, जिसका एनिमेशन वीडियो ऑलरेडी क्लोरोक्वीन के फॉर्म में हमने अपलोड किया है, क्विनिन के वीडियो में भी अपलोड किया हुआ है, वो आप क्लोरोक्वीन का सर्च करके एनिमेशन देख सकते हैं। देखिए, पैरासाइट जब कभी भी किसी फीमेल मॉस्किटोज के बाइट करने की वजह से हमारी बॉडी में एंटर करता है, फाइनली फिर ये फर्स्ट स्टेप में लीवर तक पहुंचता है, लीवर के सेट को बस करता हुआ आपके इरिथ्रोसाइट स्टेज में पहुंचता है, जिसे हम इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। इसी इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में अपने फूड को अचीव करने के लिए यह हीमोग्लोबिन को यूज करेगा। इस हीमोग्लोबिन को यूज करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होगा, ये अंदर जो आप ब्लैक कलर का पार्ट देख हैं, वो एसिडिक फूड वैक्यूल है आपके पैरासाइट का, इसी पे वो हीमोग्लोबिन को लेकर के आता है, और अपने एंजाइम की मदद से इस हीमोग्लोबिन को आगे जाकर के हीम और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हीम है, ये हीम का आगे बाय प्रोडक्ट बनेगा हीमेटिन, और ये दोनों टॉक्सिक हैं, जिनकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। सो वो एक और स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से इस हीमेटिन को हेमोजोइन में कन्वर्ट करता है, जो कि नॉन टॉक्सिक है, और इसी की वजह से ये जो पैरासाइट है वो अपने आप को बचा करके रखता है। दूसरा जो मैकेनिज्म एक्शन ऑनलाइन सर्वे के दौरान लिटरेचर में हमको देखने को मिला, वो ये जो इस पहले पॉइंट को जस्टिफाई करता है, यहां पे देखिए ये जो हीम बना हुआ है, तो जब हम आर्टेमिसिनिन कंटेंट के ड्रग को, ये जो है इसका कंपाउंड के ड्रग को लेते हैं, तो जो आर्टेमिसिनिन है वो शुरू में इनएक्टिव होता है, ये हीम के साथ कांटेक्ट करने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरे प्रोसेस को वो परफॉर्म करना स्टार्ट करता है एज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहां पे दो चीजें साफ-साफ समझ में आ रही हैं कि एक तो आपका एंडो परोक्साइड ब्रिज बन रहा है, और उस ब्रिज को ब्रेक करने की वजह से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो कि आपके पैरासाइट के लिए सही नहीं है। दूसरा, यहां पे हीम और हीमेटिन का जो एक्यूमुलेशन बन रहा है वो इसके लिए भी डेंजरस है। तीसरा, जो आपका आर्टेमिसिन है वो आपके हीम के कांटेक्ट में आने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि पूरी और तरह की, जिसके बारे में अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, हो सकता है कोई नया एक्शन दे रहा हो। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर के वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देता है। एक पॉइंट और क्लियर करना चाहेंगे, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में ये साफ लिखा होगा, नॉट एग्जैक्टली नोन, जो एक हाइपोथेसिस है, जो एक अंदाजा है, उसके हिसाब से ये मैकेनिज्म जो वेल एक्सेप्टेड है, जो एक वेल पॉसिबिलिटीज है, इनके हिसाब से दिया गया है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में इनके एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में और जानकारी मिल जाए और एक नया कोई आपको मैकेनिज्म देखने को मिल जाए। सो इसके साथ अगर हम बात करते हैं इनके और कौन कौन से कंपाउंड है आर्टेमिसिनिन की, तो देखिए पहला है आर्टेसुनेट, जिसके बारे में हमने हल्का फुल्का देखा आज, दूसरा है आर्टेमीथर, और तीसरा है अल्फा और बीटा आर्टेमीथर। ये जो तीन कंपाउंड है इनके बारे में हम पावर प्लाइट स्लाइड को यूज करते हुए एक इमेज के फॉर्म में देखेंगे, ताकि आप आगे जाकर के उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और पीडीएफ हम जब अपलोड करेंगे उसको आप डाउनलोड कर सकें। तो इसी के साथ हमारा एंटी मलेरियल टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। सो आज के जो टॉपिक का रेफरेंस है वो है केजी त्रिपाठी का लेटेस्ट, यानी कि 8th एडिशन। इसके बाद जो आप पावर पॉइंट देखेंगे उसमें मैं उसका रेस्पेक्टिव रेफरेंस ऐड करके आपके लिए रखूंगा। एक बार और आपसे कहना चाहूंगा, जब ये आप पूरा वीडियो देख लें, क्लासिफिकेशन जो आपने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे देखेंगे इन कंपाउंड के बारे में, तो इनके बाद एक बार डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने आज के लेक्चर को कितना सुना, देखा और समझा है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट आप थोड़ी देर में मेरे हटने के बाद ले सकते हैं। नमस्कार।